क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है? निश्चित निश्चित हिंदुओं का है। विभाजन का हुआ था, विभाजन का हुआ था, रिकॉर्डिंग नहीं, आपको जो करना है उसको कर लीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं बार उखाड़ लेना है तो उखाड़ दीजिए। और सड़क पर सड़क घिर घिर का होगी नमाज। भारत हमारा देश है तो हम करेंगे तो हमारा कौन आपत्ति है? पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं ना है ये, हाँ तो जनता है तो जो हमको वोट दिए है आप, मतलब नहीं दिए तो आप हमारे नेता नहीं हुए। निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। वोट के समय में जात पात कीजिएगा, वोट के समय में हम मुसलमान का प्रतिनिधि नहीं है। ये देश किसका है? आर्यंस का है या द्रविडियंस का है? हिंदू का है या मुसलमान का है? भारत है किसका? या डिबेट पिछले 70-75 सालों से चल रहा है जब से देश आजाद हुआ है। आम लोगों में जब ये चर्चा रहती है तो वो खबर नहीं बनती है, लेकिन जब किसी विधानसभा का, किसी लोकसभा का या किसी राज्य का या देश का जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मुखिया है वहां के, वो जब इस पर कुछ बयान देते हैं तो वो सुर्खियां बन जाती है। ताजा मामला भाजपा विधायक यानी बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का है। हमेशा विवादित बयान देते हैं, फिर से एक विवादित बयान उन्होंने दिया था जिसमें उनका कहना था कि नमाज सड़कों पर नहीं होना चाहिए। सड़क पर तो कोई भी, दरअसल किसी भी वो ऐसा कोई काम जिससे जो नॉर्मल लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, उसमें अगर हिंड्रेंस पैदा हो, ऑब्स्टेकल हो, तो वो नहीं होना चाहिए। नमाज भी उसमें आता है, लेकिन सिर्फ नमाज ही क्यों आता है? जब हमारे यहाँ दशहरा होता है, यानी जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्र करते हैं, तो उस समय भी सड़कें डिस्टर्ब हो जाती हैं। छठ पर्व हम बिहार में मनाते हैं, उस समय भी ऐसा ही माहौल रहता है, हमेशा ऐसा माहौल हो जाता है। भारत धार्मिक देश है, हमारे DNA में धर्म है, कोई भी मानुष हो भारत का वो धार्मिक होता ही है। ऐसे में इस तरह का बयान देना और किसी एक समुदाय विशेष पर टीका टिप्पणी करना किसी विधायक को कितना शोभा देता है। ऐसा ही मामला सामने आया था जिसके बाद एक मुस्लिम युवक है जिसने कॉल कर दिया हरिभूषण ठाकुर बचौल को, वो उनके ही विधानसभा में होने का दावा कर रहा है। अब देखिए, एक ऑडियो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। इस ऑडियो का द इंडिया टॉप पुष्टि नहीं करता है कि इसमें जो आवाजें हैं वो हरिभूषण ठाकुर का है या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसके अनुसार ये आवाज हरिभूषण ठाकुर का ही है। अब सुनिए उस मुस्लिम युवक और बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर के बीच जो संवाद हुआ है, जिसमें संविधान की बात कही गई है, शपथ लेने की बात कही गई है, हिंदू और मुस्लिम की बात कही गई है, सुनिए ये ऑडियो को। हाँ, हरिभूषण ठाकुर जी से बात हो रही मेरी या फिर कोई और है? हाँ बोलिए, आप हैं कौन? आप लगाए हैं किसको? हरिभूषण ठाकुर जी को। बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, आप बोल रहे थे कि बिहार में नमाज जो है वो सड़क पे नहीं होनी चाहिए। सड़क पर सड़क घिर घिर का होगी नमाज जी। और पूजा के लिए आपका क्या विचार है सर? पूजा पूजा ऐसा तो नहीं होता है, पूजा रोड पर लोग नहीं करते हैं। या अगर 10 दिनों के लिए बंद हो जाता है पूरा का पूरा मार्केट, ऐसा होता है हमारे यहाँ? भारत हमारा देश है तो हम करेंगे तो हमारा कौन आपत्ति है? पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं ना है ये। तो क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है? निश्चित निश्चित हिंदुओं का है। विभाजन हुआ था वो हो चुका। भारत एक निरपेक्ष संविधान क्या कहता है? संविधान धर्मनिरपेक्षता किस समय में आया था? आप इमरजेंसी में लगा दिया था धर्मनिरपेक्षता? नहीं सर, आपको फिर जानकारी नहीं है। हमें को जानकारी नहीं है जी, बिल्कुल। आप इस पर रखिए, वोट रखिए, इस पर वोट रखिए। इमरजेंसी के समय में श्रीमती गांधी धर्मनिरपेक्षता नहीं जोड़ दी हो तो जो कहिए आप। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, चेक करके बताइए। अच्छी बात है, लेकिन आपने जो शपथ ली थी सर जिस संविधान की, उसमें तो निरपेक्षता है। हम जो लिए थे सो बताइए ना, आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। हम आपके जनता हैं, तो हम आपसे तो दिक्कत होगी तो पूछेंगे। हम मुस्लिम हैं, आप के जनता हैं। तो जनता है तो जो हमको वोट दिए है आप, मतलब नहीं दिए तो आप हमारे नेता नहीं हुए। निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। वोट के समय में जात पात कीजिएगा। एक प्रतिनिधि चुनने के बाद उन्हीं लोगों का नेता है जिसने उसे वोट किया जी। हम मुसलमान का प्रतिनिधि नहीं है सर। आप फोन रिकॉर्डिंग पे है और आप बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग नहीं, आपको जो करना है उसको कर लीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं बार उखाड़ लेना है तो उखाड़ दीजिए मेरा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बताया जा रहा है, जिनकी आवाज इस ऑडियो में है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है ये ऑडियो, उनका साफ कहना है कि मुस्लिम्स जो हैं
वो उनको वोट नहीं करते हैं, यानी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, ये देश हिंदुत्व का है, ये देश हिंदुओं का है, और यहाँ पर हिंदू जो चाहे वो मनमाना कर सकते हैं। ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है जहां पर सड़कों पर नमाज हो जाए, जहां पर शुक्रवार को सड़क जाम हो जाए क्योंकि नमाज पढ़ना होता है, और उनके विधानसभा का या बिहार का कोई भी मुस्लिम, कोई भी मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता है, इसलिए वो उनको नागरिक मानते ही नहीं है, ऐसा कहना है हरिभूषण ठाकुर बचौल का। यह मामला काफी विवादित है, इसलिए हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, और ना ही इस बात का हम दावा कर रहे हैं कि ये ऑडियो जो है वो हरिभूषण ठाकुर बचौल का है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये ऑडियो जो है वो काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।